Hello friends, again I am here on my channel of Biology Concepts. As you all know, we are discussing plant physiology nowadays. So my today's topic of discussion is gnostic movement. In my last video I told you about different tropic movement in plants. So in this video lecture I will tell you about gnostic movement in plants. First thing I want to tell you students here, so that gnostic movements are non-directional. अगर gnostic movements की हम लोग बात करें तो ये कैसे होते हैं non-directional, जबकि tropic movement में मैंने आपको बताया था ये one direction में ही जाएंगे. दूसरा point अगर हम लोग बोलें कि जो gnostic movements होते हैं reversible होते हैं, जबकि जो tropic movement थे students वो कैसे थे irreversible. और students एक बात और आपको मैं बता दूं, जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है इसको किसी भी प्लांट को तो उसके डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है. हो सकता है दे आर नाइदर अवे और टुवर्ड्स ए स्टिमुलस, स्टिमुलस के ना पास जाएंगे ना दूर आएंगे. तो अगर हम लोग बात करें नास्टिक मूवमेंट की, तो नास्टिक मूवमेंट को हम लोगों ने स्टूडेंट्स दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया. नास्टिक मूवमेंट को क्लासीफाई अगर कहें तो क्लासीफिकेशन तो फोटोनास्टिक और हैप्टोनास्टिक. फोटो नाम से ही आपको पता चल रहा है स्टूडेंट, फोटो का मतलब लाइट. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मूवमेंट कॉज होगा इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट. फोटोनास्टिक है तो या तो प्रेजेंस होगी या तो एब्सेंस, मतलब इसका लाइट से मतलब है. और इट इज एग्जिबिटेड बाय फ्लावर्स लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स व्हिच ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज एट नाइट. अगर हम लोग हैप्टोनास्टिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका लेना देना टच से होगा, स्टिमुलस ऑफ टच. इन टच मी नॉट प्लांट, जैसे कि एग्जांपल में मैं बता दूं, टच मी नॉट प्लांट, इसी को हम लोग छुई मुई बोलते हैं, टच मी नॉट. या फिर हम लोग इसका हिंदी ओरिजिनल नेम जो है लाजवंती है. तो टच मी नॉट प्लांट की अगर हम लोग बात करें, जो लीफलेट्स होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है. लीफलेट्स आर सेंसिटिव, और सेंसिटिव होने का मतलब है कि जब हम इसको टच करते हैं तो उसमें फोल्डिंग्स आ जाती है अपर डायरेक्शन में कुछ सेकेंड्स के लिए जब हम इस प्लांट को टच करें. लेकिन ये जो फोल्डिंग है ये रिवर्सिबल है, वापस प्लांट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी आ जाएगा. अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अचानक से टच करने पे अचानक से रैपिड लॉस हो जाता है वॉटर का कुछ सेल से, जैसे कि रैपिड लॉस ऑफ वाटर आप लिख सकते हैं. ऐसा क्यों होता है, रैपिड लॉस ऑफ वाटर होता है जो लीफलेट्स होती हैं जो बेस पे होती हैं उनको. और अगर हम इस प्लांट को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, फिर 3 से 4 मिनट के लिए जो उनकी लीफलेट्स हैं वो ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाती है. तो स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि जो टच मी नॉट प्लांट है उसको टच करने पे उसकी लीव जो है मिमोसा, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है स्टूडेंट्स होता है मिमोसा पुडिका. तो अगर मैं जब इसको टच करूँ, छुई मुई लाजवंती, बहुत सारे नेम्स हैं इसके, बोटेनिकल नेम इसका ये है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिमोसा पुडिका को टच करने पे जो उसकी लीफलेट्स है वो क्लोज हो जाती है, ऐसा क्यों होता है. तो आप बताएंगे वहाँ पे जो रैपिड लॉस वाटर का होता है, उनकी जो लीफलेट्स होती हैं, जो बेस पे लीफलेट्स होती हैं, वहाँ पे वाटर का लॉस होने लगता है. और अगर उस प्लांट को स्टूडेंट्स हम लोग 3-4 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो प्लांट की जो लीफलेट्स हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएंगी. तो ये कुछ बात थी हैप्टोनास्टिक के बारे में. और अगर अगर हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट की थोड़ा सा कंपेरेटिव व्यू देखें, आपको मैंने बताया जो ट्रॉपिक मूवमेंट थे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में थे, एक ही डायरेक्शन में थे, लेकिन नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल थे. मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो इररिवर्सिबल ग्रोथ मूवमेंट है, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, जबकि यहाँ पे कैसा नेचर है स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल मूवमेंट है. और मैंने आपको ट्रॉपिक मूवमेंट में बताया था या तो मूवमेंट टूवर्ड्स होगा, अगर टूवर्ड्स होगा तो हम लोगों ने उसको क्या बोला था, पॉजिटिव, और अगर अवे था तो हम लोगों ने उसको निगेटिव बोल दिया था. सपोज अगर जियोट्रोपिज्म की बात कर रहे थे तो जो रूट्स थी वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही थी और जो शूट्स थी वो निगेटिव जियोट्रोपिज्म. तो हम लोग का जो स्टिमुलस था उसके टूवर्ड्स और अगेंस्ट बात चल रही थी ट्रॉपिक मूवमेंट में. लेकिन नास्टिक मूवमेंट में जो मूवमेंट्स हैं ना अवे जाते हैं ना टूवर्ड्स जाते हैं स्टिमुलस के, ये रिवर्सिबल मूवमेंट होता है. उसके एग्जाम्पल में फोटोनास्टिक मूवमेंट को आप कह सकते.
सो दिस इज ऑल अबाउट नास्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स. तो विद टुडेज लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड माय प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट. स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन. सो इफ आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10 आईसीएसई, सो सम बेसिक बायोलॉजी इज देयर, सम प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट इज देयर, एंड सम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट, एंड देन पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन and some evolution part is also there. So in basic biology we have discussed cell cycle, cell division, structure of chromosome, genetics we have discussed in detail, Mendel's laws. Okay students, अगर आपने अभी वो videos नहीं देखे तो आप हमारे previous videos पे जाके, मैंने chapter 1 से start करके cell cycle, cell division सिर्फ सारे videos topic wise upload किए हुए students सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी understanding और आप अच्छे marks score कर पाए. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पढ़ाया आपको, एसेंट ऑफ सैप पढ़ाया, ट्रांसपिरेशन टॉपिक पढ़ाया, फोटोसिंथेसिस को हम लोगों ने लिया, और लास्ट टॉपिक मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो स्टूडेंट्स मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपको आपसे, और अगला मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एक ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें. जो लोग इन फ्यूचर नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही बेसिक से सर्कुलेटरी सिस्टम का मैं बताऊंगी आपको, बेसिक से कैसे ब्लड कैसे फ्लो करता है, पूरा सर्कुलेटरी पाथवे बताऊंगी. तो स्टूडेंट्स आई होप वी विल मीट सून, सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट नाउ यू कैन सब्सक्राइब, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज एज मोर एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, and all your well wishes. So thank you friends, take care, bye bye.